ये जो माजूर मुफलिस नादार है, मुल्क मेरे में जितने भी बीमार हैं, दे सभी को शिफा ऐ खुदा ऐ खुदा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भाई साहब ये काफ़ी दूर से मेरे पास आए हैं, ये काफ़ी मजबूर हैं, लाचार हैं। इन्होंने हमें अपना बात थोड़ी सी मुख्तसर सी बताई है, तो इनसे हम भी बातचीत करते हैं और आपको सुनाते हैं कि क्या ऐसा मसला है कि ये मजबूर होकर खुद ही हमारे पास इधर पहुँचे हैं। तो हम यहाँ बैठ के इनसे मिले हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं, इनकी बातचीत सुनाते हैं आपको कि क्या मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है भाई जान। हाँ जी, क्या परेशानी है? आप बता रहे हैं आप उत्तर से आए हैं, खुद ही हमारे घर आ गए, इधर आ गए आप। हाँ जी, जी। अच्छा जी, बच्चे मेरे भूखे बैठे है, पहले तुम आ गए थे मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, हम आपके घर गए थे उधर। हाँ जी जी जी, चार मेरे बच्चे और कुछ देखा है, बच्चे मेरे सुखिया रोटियाँ खा रहे थे। हाँ जी हाँ जी, इस तरह ही है। एक मकान है मेरे घर का जरा बना के मैं बैठा हूँ। जी जी, चार बारी मेरे को है नहीं, तो भी डिग गई थी जी मेरे को, मुझे रिहायश नहीं बनी बन गई। ऐसे ही था, मैंने देखा था। हाँ जी हाँ जी, मोहतर साहब इन आप ने इनकी वीडियो में देखा होगा कि इनका इन्होंने एक ही मकान बनाया बड़ी मुश्किल से, और जो शहरों वाली चार दीवारी है वो इनकी है नहीं, पहले तो बनी हुई थी कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, वो कहते बारिश की वजह से गिर गई है। हाँ, तो इनकी गुंजाइश नहीं हुई कि इन्होंने बना ही नहीं सके दोबारा से। हमने उधर दिखाया भी था, तो बच्चे भी उनके उस वक्त भी कह रहे थे भूखे हैं, सूखियाँ रोटियाँ वो खुश टुकड़े वो खा रहे थे, हमने दिखाया था। तो भाई जान फिर अब क्या ज़्यादा कोई परेशानी होगी, क्या बन गया मसला हो गया? हाँ जी, बस भाई हूँ तो बहुत ही परेशान आया, तो देखो बहुत ही मजबूर हो के आया। अच्छा, उसमें फिर मजबूर हो के आया, घर मेरे कोई शहर से आ गई, बच्चे मेरे भूखे बैठे थे। अच्छा। हाँ जी, खाने पीने का कोई नहीं है उनके? नहीं, कुछ है नहीं होगी भाई जान, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਾਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਪੱਠੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਦੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਥਾ? ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਗਏ ਭਾਈ ਪੱਠੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਥਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸਕੋ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ? ਹੋਏ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੋਏ ਗਏ 12 ਸਾਲ। अच्छा, शादी से पहले की बात है? हाँ जी। तो ये भाई ठीक थे, तो कहते ये वो चारा काटने वाली जो मशीन होती है उसके अंदर इनका ये बाजू आ गया था, ये कट गया है, इस वजह से इनका हाथ भी सीधा है, ये मजदूर हो गए हैं। तो उस वक्त भी इन्होंने बताया था कि बड़ी मुश्किल से ना मजदूरी करते हैं, तो ये इसे दरांती कटका कर ये कहते थे थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं, तो काम भी यानी कि इनसे नहीं होता सही तरह से। लोग कहते इसको मेहनत मजदूरी पर भी नहीं रखते इस वजह से, क्योंकि इनका बाजू का मसला है, तो उल्टे हाथ से ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, इसलिए वो लोग जो थोड़ा बहुत काम दे देते हैं रख लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मजदूरी दे देते हैं, इस तरह का सूरत हाल है। तो आजकल फिर मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही, क्या हुआ? कुछ नहीं मिलता भाई जो ये किसी पास भी लग जाती है। अच्छा, वो भी कोई जानता कोई जानता, कोई ना कोई 200 दे देता, कोई 300 दे देता। अच्छा, तो इनके पैसा तुम्हें पता ही है कि जानता। हाँ जी, 200-300 रुपये का कुछ नहीं बनता। हाँ जी, भाई साहब कह रहे हैं 200-300 रुपये वो भी कभी मिल जाए तो 200-300 रुपये वो लोग देते हैं सिर्फ, तो उससे फिर क्या बनना जी? कितने बच्चे हैं जी आपके? मेरे 4 बच्चे जी। बेटे हैं बेटियां? 2 बेटियां 2 बेटे। हाँ जी, 4 बेटे हैं इनके, 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं। तो हमने देखा था छोटे छोटे, तो इनके जो बच्चे थे वो भूखे थे, वो इस तरह के हालात बड़े मुश्किल से यानी कि हो रही गुजर बसर। तो भाई साहब भी हमारे घर पहुंचे हैं, और भाई जान कोई सैल नहीं है? कोई सैल नहीं भाई, मैं कल्ला ही कर देख रहा, मैं करना कोई चंगा माड़ा। अच्छा जी, आखिर बच्चे जो तो भुखे अंदर बैठा देखा में रोन होता है जी जी, ऐसा करके मजबूर होकर ढाडे को आया भाई। सही। हाँ जी, घर में कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं आ गया भाई, बहुत मजबूर होकर आया ढाडे को। अच्छा। हाँ जी,
तो ये मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही है आजकल, कितने दिन हो गए, क्या हुआ? दिन हो गए, कई दिन, 10 दिन हो गए घर बैठे। अच्छा, कोई काम नहीं मिला? कोई काम नहीं मिला। अच्छा, घर ही बैठे खा रही? हाँ जी। तो इस तरह है लाल जी, भाई साहब, भाई साहब कह रहे हैं कि बच्चे छोटे छोटे, इनके बच्चे हैं, घर भूखे हैं, घर में कुछ भी नहीं है, तो आटा वगैरह भी नहीं है जी, कुछ है नहीं, आटा खाने का राशन वगैरह बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं है भाई साहब, इस करके मजबूर हो गए हैं। तो बड़े ही मजबूर और लाचार होकर आए हैं, कह रहे हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं है, और ये 10 दिन हो गया, कहते मैं घर बैठा हूँ, कोई मजदूरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, तो इस तरह हम तक पहुंचे हैं। मैं तो भाई जान पता भी कोई नहीं सहगा, इतने में कुछ दस के किसी को पहुंचा, बड़ा मुश्किल करके। सही सही। हाँ जी, आज हमारी उधर ही मुलाकात हुई थी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो आपको कौन सा पता था? चलो जी, अल्लाह ताला ने आपको फिर हम तक पहुंचा दिया है, तो अल्लाह की तफीक से, और हमारे जो भाई हैं उनकी, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, बड़े खुश नसीब हैं, जो इस तरह हमें सपोर्ट करते हैं, और हम इस तरह के लोगों की मदद करते हैं। देख लें कि इसका मजबूर है भाई, बड़ा ही लाचार मजबूर होकर ये हमारे पास आया है। किसी को भी इस तरह शौक नहीं होता, ना कोई ऐसे खुशी से आता है, तो अल्लाह ताला ऐसे हलाल किसी के ना बनाए, अल्लाह ताला जी रहम करे, कर फरमाए। तो सब अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला के नेक बंदे अल्लाह ताला के उनकी तरफ से ना ये तो देते हैं जी। ये रख लें जी। हाँ जी, इसके साथ आपको राशन भी दे देंगे। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अपनी जरूरत पूरी करें जी, राशन बच्चों को पका कर खिलाएं। हाँ जी, ठीक है, इसमें अंदर है। हाँ जी, खिलाएंगे राशन। इसमें ना जी, हाँ जी, खान पीने वाली चीजें इस तरह है चीजें। हाँ जी, आप कह रहे हैं बच्चे भूखे हैं जी, खाना नहीं पका कर उनको खिलाए। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ये आपके हाल पर रहम फरमाए, फरमाए, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। हाँ जी, और आपने अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। और उन भाइयों को भी जरूर याद रखना है। हाँ जी, जो आप जैसे उनका ख्याल रखते हैं, आप जैसे उनका दर्द रखते हैं, अल्लाह ताला के बड़े ही नेक और ईजा लोग हैं वो, तो अल्लाह ताला उनका दिया हुआ मजबूर फरमाए, मजबूर फरमाए, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखता है। अल्लाह अल्लाह मियां होर ना दवे ना सादी जी, एक की रात ना 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 दवे जी, ऐसे ही खाओ कि मेरे बच्चे ना दुआ करन दे खा के जी। हां जी जी, मोहतरम सामीन, आपने भाई साहब की दुखी कहानी सुन ली है, बातचीत सुन ली है, तो इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इस तरह के जो गुरबा है उनके हाल पर रहम फरमाए, कर फरमाए, इस तरह के हाल देकर बहुत दुख होता है, अल्लाह ताला सब इनके हाल पर रहम फरमाए, कर फरमाए जी। साथ ही हम आपसे जा चाहते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।